ग्रामीणों ने सेल्समैन पर लगाया कालाबाजारी करने का आरोप, एसडीएम से की शिकायत। पौरी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बछौरा के ग्रामीणों ने आज राशन दुकान के सेल्समैन की मनमानी की शिकायत पौरी एसडीएम शिवदयाल धाकर से दर्ज कराई है। ग्रामीणों ने सेल्समैन पर राशन की कालाबाजारी का आरोप लगाते हुए बताया कि सेल्समैन द्वारा पिछले 2 माह से उन्हें खाद्यान्न का वितरण नहीं किया गया है, जबकि POS मशीन पर अंगूठे लगवा लिए गए हैं। SDM ने ग्रामीणों को जांच के बाद सेल्समैन के खिलाफ कार्यवाही किए जाने का आश्वासन दिया है। पौरी से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। तो आप आज SDM कार्यालय पे आए हो, क्या क्यों क्यों आए हो? हमारे 2 महीने से गेहूँ नहीं दिए गेहूँ अच्छा कौन नहीं दे रहा? सेल्समैन द्वारा। अच्छा, तो फिंगर वगैरह लगा दिए कि नहीं लगा? फिंगर कुछ लोगों को लगवा लिए, कुछ लोगों को नहीं दिए। मतलब लगवा लेता उसके बाद नहीं दे रहा, नहीं दे रहा। क्या कहता है? पैसे ले लो, मतलब गेहूँ नहीं लो, नगद पैसे ले लो। पैसे ले लो, वो भी कम कम, जैसे 20 रुपये कम ले लो, 40 रुपये कम ले लो। एक आदमी ये कब से कर रहा है ऐसा? 2 महीने। 2 महीने से। तो आज आपने इसकी शिकायत किससे की है? SDM साहब। तो क्या आश्वासन दिया है SDM सामने आप लोग? आपने बोला जांच करवाते हैं। तो आज आप जो SDM कार्यालय पे आए हो, किस लिए आए हो? अरे गेहूँ नहीं दे रहे, 2 महीने से गेहूँ नहीं दिए। कौन सा सेल्समैन नहीं दे रहा? ये नया धीरेंद्र का नाम है, अरविंद। अरविंद, तो ये कहाँ से आए हो आप लोग यहाँ पे? सब बछौरा से, ग्राम बछौरा से आए हो। अच्छा, तो आपने कब से नहीं मिले आप लोगों को? 2 महीने से। सबको ही? सबको। ऐसे कितने लोग हैं लगभग? लगभग अरे कम से कम वो तो पूरे गाँव ही है, 100 का आदमी का ही देते हैं बस। 425 हम 425 पर्ची इनमें। अच्छा, क्या कहता है? नहीं आ गई शिकायत कर, यही नहीं। तो आज आप SDM साहब को आवेदन दिया है आपने, तो क्या कुछ कहा है SDM साहब ने आप लोगों? देखते हैं भाई, बता देंगे, जाँच करवा।